खवातीन के लिए बनाई गई वीडियो की बेपनाह कामयाबी के बाद हम हाजिर हैं विद टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डेटिंग एडवाइजेस फॉर मेन इन देयर थर्टीज। नंबर वन, अगर बंदी अपने पापा डैडी अबू या डैड से ऑब्सेस्ड है और हर दूसरी बात के बाद तीसरी बात अपने अबू के बारे में करती है तो इट्स प्रॉब्ली अ रेड फ्लैग। क्योंकि ऐसे सूरत हाल में अमूमन दो बातें होती हैं, एक तो ये कि उसने अपने अबू को बहुत ही हाई पेडेस्टल पे बिठाया है एंड शी इज ऑलवेज गोइंग टू कंपेयर यू विद हर डैड कि वो ऐसे खाते हैं, वो ऐसे पीते हैं, वो ऐसे पार्ट मारते हैं एंड यू कैन नेवर मेजर अप एंड सिंस हर डैड जस्ट डज नॉट स्टिंक एंड योर्स डू सो यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी अ लेसर मैन। ऐसी बंदियों की जिंदगी में उनके डैडी सब कुछ होते हैं और आप कभी भी उनके डैडी नहीं बन सकते, क्योंकि आप जितनी भी कोशिश करेंगे डैडी जैसा बनने की उतनी ही उनकी नजरों में आप नीचे गिरते जाएंगे बिकॉज नोबडी इज लाइक डैडी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अबू के साथ इस ऑब्सेशन की वजह असल में डैडी इश्यूज हैं और उस अबू ने जिंदगी में जितनी भी यकियां की होंगी उन सबका बदला ये बंदी आपसे लेगी। इन ईदर केस यू आर स्क्रूड सो बेटर टू रन अवे नाउ। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, अगर पहली या दूसरी मुलाकात के बाद ही बंदी आपके साथ ऑब्सेस्ड हो गई है और आपकी तरफ से कोई सिग्नल ना मिलने के बावजूद भी कॉन्स्टेंटली मैसेजेस, कॉन्स्टेंटली कॉल्स, कॉन्स्टेंटली आपके साथ मिलने के प्लान और अपनी शादी के ड्रेस डिजाइन कर रही है, देन रन अवे। बहुत ही कामली लेकिन फर्मली से नो एंड डोंट जस्ट से इट, बी श्योर टू ब्लॉक हर टू, क्योंकि अगर आपने इतनी सी भी जगह छोड़ दी तो ये हाथ मुंह पाँव सब कुछ लेके इसमें सेंटर हो जाएगी और चिड़चिड़ होकर आपके जिस्म के नाजुक हिस्सों के साथ चिमड़ जाएगी। इट कैन बी अ वेरी ट्रिकी एंड डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि शुरू में ये हो सकता है कि जब आप ना कहें तो थोड़े दिनों के बाद आपको उसकी दोस्त या बहन का फोन आए और वो कहे कि उस बंदी ने तो सर्फ खा लिया, अस्पताल में एडमिट है और मरने वाली है। ये बंदियाँ किसी ना किसी तरीके से आप तक रसाई रखने की बेपनाह कोशिश करेंगी कि सिर्फ एक दफ़ा मुझसे बात कर लो, एक दफ़ा मुझे अपनी शक्ल दिखा दो, कभी कभी मुझसे मिल लिया करो, बट नो। सो एक क्लियर नो के बाद इनसे हर हाल में, हर फॉरम पे, हर तरीके से दूर रहना मैंडेटरी है बिकॉज दे विल टेक एनी कॉन्टैक्ट फॉर अ यस एंड कीप परसुइंग यू। एंड आई अंडरस्टैंड इट कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू स्टे अवे बिकॉज समबडी इज फीडिंग योर गॉड कॉम्प्लेक्स एंड इज मेकिंग यू फील सो इंपॉर्टेंट, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बट इट कैन बी अ वेरी डेंजरस गेम टू प्ले, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लीड ऑन करेंगे तो ये औरतें फिर आपकी जान नहीं छोड़ेंगी। थिंग यू नो इज दैट कि ये वो वाला दुपट्टा लेके जिसके ऊपर लिखा होता है फलाने की दुल्हन अपने हाथ पे कहीं मेहंदी से आपका नाम लिख के और जिसम पे किसी और हिस्से पे भी यकीनन आपका नाम लिख के कहीं दुल्हन बन के बैठी होंगी और आप कोने पे सिरा लगा के सोच रहे होंगे कि हाउ डिड दिस हैपन, आपको पता भी नहीं चलेगा और कभी आपकी जिंदगी में परमानेंटली एंटर हो जाएंगे और ऐसे सीमेंट कर लेंगे अपनी जगह को कि आपके लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। सो प्लीज डोंट लीड पीपल ऑन, स्पेशली इस तरह की खवातीन। हाँ, अगर आप उनके बारे में सीरियस हैं, इफ यू कैन मैच देयर मैडनेस एंड देयर ऑब्सेशन, देन बाय ऑल मींस गो एंड डिस्ट्रॉय ईच अदर्स लाइव्स। लेकिन अगर आपको जरा सी भी हिंट ऑफ डेस्पिरेशन या ऑब्सेशन नजर आ रही है जबकि आपने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया और आपकी ऐसी कोई नीयत नहीं है, देन प्लीज सेव योर लाइव्स एंड रन अवे। बिकॉज वो जो सारा फसाड ऑफ इमोशनल रोल प्ले होता है ना कि मैं तुम्हारी दीवानी, तुम्हारी दासी, तुम्हारे कदमों की खाक, इट ऑल ड्रॉप्स डाउन द मोमेंट यू एंटर इनटू अ रियल रिलेशनशिप विद दीज वुमेन, विच ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू मेक श्योर दैट यू डू अगर आप उन्हें जरा सी भी जगह देंगे, एंड देन यू गोइंग टू रियलाइज व्हाट क्रेजी एक्चुअली इज। क्योंकि इन खवातीन को रिलेशनशिप की नहीं, इलाज की जरूरत होती है, और अगर आप एक दिमागी डॉक्टर नहीं हैं, देन प्लीज स्टे अवे।